फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहेगी। कौन सा प्रक्षेप किस कार्य में उपयोगी है और ये जानने से पहले आइए देखते हैं कि मानचित्र प्रक्षेप कहते किसे हैं। प्रक्षेप का शाब्दिक अर्थ किसी पारदर्शी फिल्म या कागज पर बनी आकृति को प्रकाश की सहायता से दीवार अथवा कपड़े के पर्दे पर दिखाना होता है। गोलाकार पृथ्वी अथवा किसी बड़े भूभाग का समतल सतह पर मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश अथवा ज्यामितीय विधियों के द्वारा निर्मित अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल या भू ग्रिड को मानचित्र प्रक्षेप की संज्ञा दी जाती है। इरविन रेंज के अनुसार अक्षांश वृत्तों तथा याम्योत्तरों का कोई ऐसा व्यवस्थित क्रम जिस पर मानचित्र बनाया जा सके प्रक्षेप कहा जा सकता है। जॉन बिगॉट के अनुसार ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को कागज पर प्रदर्शित करने की किसी विधि को मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। इसी प्रकार से एफ जे मॉन्कहाउस ने कहा है कि पृथ्वी के अक्षांश वृत्तों तथा याम्योत्तरों का जाल या रेखा जाल के रूप में समतल सतह पर प्रदर्शन मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। आइए देखते हैं कि कौन सा प्रक्षेप किस कार्य में उपयोगी है। एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप मध्य अक्षांशों में स्थित छोटे छोटे देशों के मानचित्र बनाने के लिए इस प्रक्षेप को प्रायः प्रयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस प्रक्षेप पर ऐसे प्रदेशों के भी मानचित्र बनाए जाते हैं जिनका अक्षांशीय विस्तार कम होता है। दो मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप इस प्रक्षेप पर बने मानचित्रों में मानक अक्षांशों से दूरी बढ़ने के साथ साथ क्षेत्रों की आकृति तथा क्षेत्रफल में विकृति बढ़ने लगती है। अतः अधिक अक्षांशीय विस्तार के देशों के मानचित्र इस प्रक्षेप पर नहीं बनाए जाते हैं। यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया की मानचित्रावलियों में अलग अलग देशों एवं राज्यों के मानचित्र बनाने के लिए इस प्रक्षेप का बहुत उपयोग हुआ है। बोन प्रक्षेप मानचित्रावलियों में यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य बड़े बड़े क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए बोन प्रक्षेप का काफी प्रयोग किया जाता है, परंतु कम देशांतरी विस्तार वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए यह प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी है। बहुशंकुक प्रक्षेप आकृति एवं क्षेत्रफल शुद्ध प्रदर्शित न होने के कारण यह प्रक्षेप बड़े बड़े क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए अनुपयुक्त होता है। छोटे छोटे क्षेत्रों जिनका पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कम हो वे मानचित्र बनाने के लिए यह प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रक्षेप पर विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति मानचित्र बनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप इस प्रक्षेप पर बने अंश चित्रों को जोड़कर अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र का मानचित्र प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रक्षेप का दूसरा महत्वपूर्ण गुण यह है कि इस प्रक्षेप पर बनाए गए अंश चित्रों में क्षेत्रफल तथा आकृति का काफी सीमा तक सही सही प्रदर्शन हो जाता है। यथार्थ अथवा संदर्श बेलनाकार प्रक्षेप भूमध्य रेखा के अतिरिक्त अन्य सभी भागों में आकृति, क्षेत्रफल एवं दिशा अशुद्ध प्रदर्शित होने के कारण मानचित्र बनाने के लिए इस प्रक्षेप का प्रयोग बहुत कम हुआ है। सामान्य अथवा समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप यह प्रक्षेप न तो यथाकृतिक है न ही इसमें समक्षेत्र का गुण है। प्रक्षेप में भूमध्य रेखा के समीप आकृति एवं क्षेत्रफल कुछ कुछ सही प्रदर्शित हो जाते हैं। अतः भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए इस प्रक्षेप का सीमित प्रयोग होता है।
उच्च अक्षांशों में स्थित क्षेत्रों अथवा संसार के मानचित्र बनाने के लिए यह प्रक्षेप उपयोगी नहीं है। बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप। इस प्रक्षेप पर कभी कभी संसार के वितरण मानचित्र बनाए जाते हैं, परंतु भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों के वितरण मानचित्रों के लिए यह प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी है। मर्केटर अथवा बेलनाकार यथाकृतिक प्रक्षेप। नौ संचालन के अतिरिक्त पवनों की दिशा अथवा महासागरीय धाराओं को प्रदर्शित करने के लिए भी यह प्रक्षेप परम उपयोगी है। शुद्ध आकृति एवं शुद्ध दिशा प्रदर्शित करने के उद्देश्य से बनाए जाने वाले लगभग समस्त मानचित्रों के लिए मर्केटर प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। उच्च अक्षांशों में क्षेत्रफल बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के अतिरिक्त शेष स्थलीय भागों के वितरण मानचित्रों के लिए यह प्रक्षेप अनुपयुक्त होता है। इस प्रक्षेप पर संसार के राजनीतिक मानचित्र बनाए जाते हैं, परंतु उन मानचित्रों के बनाने का मूल उद्देश्य यूरोप महाद्वीप के छोटे छोटे देशों को बड़ा करके दिखाना होता है। अतः ज्यादातर मानचित्र मर्केटर प्रक्षेप पर बनाए जाते हैं। गॉल का त्रिविम प्रक्षेप। गॉल का त्रिविम प्रक्षेप संसार के सामान्य मानचित्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। ध्रुवीय खमद्य समदूरस्थ प्रक्षेप। आर्कटिक क्षेत्रों के सामान्य उद्देश्य वाले मानचित्रों के लिए यह प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी है। इसके अतिरिक्त ध्रुवीय अन्वेषण एवं ध्रुवीय नौसंचालन से संबंधित मानचित्रों के लिए भी इस प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है। विषुवतीय खमद्य समदूरस्थ प्रक्षेप। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के वायु मार्ग प्रदर्शित करने वाले मानचित्रों को प्रायः इस प्रक्षेप पर बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह प्रक्षेप इन क्षेत्रों के नौ संचालन संबंधी मानचित्रों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ध्रुवीय खमद्य समक्षेत्र प्रक्षेप। समक्षेत्र तथा ध्रुव के समीप करीब करीब शुद्ध आकृति प्रदर्शित करने के गुणों के फलस्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों के वितरण मानचित्रों के लिए यह प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी होता है। विषुवतीय खमद्य समक्षेत्र प्रक्षेप। सीमावर्ती भागों में आकृति अधिक विकृत हो जाने के कारण संपूर्ण गोलार्ध के मानचित्रों के लिए यह प्रक्षेप अधिक उपयोगी नहीं है, परंतु इस प्रक्षेप पर अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य अमेरिका तथा कैरेबियन क्षेत्रों को भली भांति प्रदर्शित किया जा सकता है। नौमोनिक ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप। इस प्रक्षेप पर आर्कटिक क्षेत्रों के नौ संचालन मानचित्र तथा सामान्य उद्देश्य वाले मानचित्र बनाए जाते हैं। केंद्रक या नौमोनिक विषुवतीय खमद्य प्रक्षेप। यह प्रक्षेप अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। इस प्रक्षेप पर ऐसे क्षेत्रों के मानचित्र बनाना लाभदायक होता है जिनका प्रक्षेप केंद्र से किसी भी दिशा में 30 डिग्री से अधिक विस्तार नहीं हो। केंद्रक या नौमोनिक तिर्यक खमद्य प्रक्षेप। प्रक्षेप केंद्र के समीप आकृति एवं क्षेत्रफल बहुत कुछ शुद्ध रहने के कारण छोटे छोटे क्षेत्रों के सामान्य एवं नौ संचालन मानचित्रों के लिए यह एक उपयोगी प्रक्षेप है। नौ संचालन में इस प्रक्षेप का प्रयोग प्रायः मर्केटर प्रक्षेप के साथ किया जाता है। इस प्रक्षेप की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है, इसकी रचना किसी भी बिंदु को प्रक्षेप केंद्र मानकर की जा सकती है। त्रिविम ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप। अब से कुछ वर्ष पूर्व तक समस्त पृथ्वी को दो गोलार्धों में प्रदर्शित करने के लिए अथवा अलग अलग महाद्वीपों एवं देशों के मानचित्र बनाने के लिए इस प्रक्षेप को बहुत उपयोग में लाया जाता था, परंतु मापनी की अधिक विभिन्नता होने के कारण वर्तमान समय में इस प्रक्षेप का महत्व बहुत कम हो गया है। त्रिविम विषुवतीय खमद्य प्रक्षेप। प्रक्षेप केंद्र के समीप स्थित छोटे छोटे भागों के मानचित्रों के लिए यह एक उपयोगी प्रक्षेप है। पहले इस प्रक्षेप पर पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों के मानचित्र बनाकर
समस्त पृथ्वी को प्रदर्शित करने का बहुत चलन था, परंतु अब इस कार्य के लिए अन्य अधिक उपयुक्त प्रक्षेपों का चयन किया जाता है। त्रिविम तिर्यक खमध्य प्रक्षेप। इस प्रक्षेप के लक्षण विषुवतीय दशा वाले त्रिविम खमध्य प्रक्षेप से दो बातों से होते हैं। भूमध्य रेखा तथा ध्रुव के मध्य स्थित किसी भी बिंदु को प्रक्षेप केंद्र मानकर यह प्रक्षेप बनाया जा सकता है। अतः अन्य त्रिविम खमध्य प्रक्षेपों की तुलना में यह प्रक्षेप अधिक उपयोगी है। लंब कोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। भौगोलिक दृष्टिकोण से इस प्रक्षेप का बहुत कम महत्व है, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका के मानचित्रकारों ने कुछ वर्ष पूर्व इस प्रक्षेप में बहुत रुचि दिखाई थी। इस प्रक्षेप पर बने मानचित्रों में क्षेत्रफल व आकृति बहुत अशुद्ध होती है, परंतु इन मानचित्रों को देखने से इसमें ऊंचे नीचे भाग होने का भ्रम हो जाता है। अतः इन मानचित्रों में आवश्यक रंग एवं छायाओं का प्रयोग करके स्थलाकृतिक लक्षणों को अधिक प्रभावशाली ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है। खगोलकीय मानचित्रों के लिए यह प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी होता है। लंब कोणीय विषुवतीय खमध्य प्रक्षेप। इस प्रक्षेप पर अधिक से अधिक एक गोलार्ध पूर्वी अथवा पश्चिमी गोलार्ध प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रक्षेप के शेष लक्षण व इसकी उपयोगिता लंब कोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप के समान होती है। गोलाकार प्रक्षेप। बृहद मापनी पर पृथ्वी के गोलार्ध मानचित्रों के लिए प्रायः इस प्रक्षेप का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी मानचित्रावलियों में भी इस प्रक्षेप पर बने पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्धों के दो मानचित्रों को पास पास रख कर संपूर्ण पृथ्वी को दिखाया जा सकता है। मॉलवीट का समक्षेत्र प्रक्षेप। मानचित्रावलियों में संसार के वितरण मानचित्र बनाने के लिए मॉलवीट प्रक्षेप का काफी उपयोग होता है। क्योंकि इस प्रक्षेप पर बने संसार के मानचित्र में किनारों की ओर क्षेत्रों की आकृति बहुत अधिक विकृत हो जाती है, अतः आजकल मानचित्रावलियों में सामान्य मॉलवीट प्रक्षेप के स्थान पर विच्छिन्न मॉलवीट प्रक्षेप का अधिक उपयोग किया जाता है। सिनुसॉइडल प्रक्षेप। इस प्रक्षेप पर संसार का मानचित्र बनाया जा सकता है, परंतु सीमावर्ती भागों में क्षेत्रों की आकृति अत्यधिक विकृत हो जाने के फलस्वरूप इस कार्य के लिए प्रायः सिनुसॉइडल प्रक्षेप का उपयोग नहीं किया जाता है। मॉलवीट प्रक्षेप में सिनुसॉइडल प्रक्षेप की अपेक्षा आकृति कम विकृत होती है, अतः सिनुसॉइडल प्रक्षेप की तुलना में मॉलवीट प्रक्षेप पर संसार का मानचित्र अच्छा बनता है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित अपेक्षाकृत कम पूर्व पश्चिम विस्तार वाले महाद्वीप अर्थात अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका के समक्षेत्र मानचित्र बनाने के लिए सिनुसॉइडल प्रक्षेप बहुत उपयोगी है। विच्छिन्न सिनुसॉइडल प्रक्षेप। इस प्रक्षेप के गुणधर्म सामान्य सिनुसॉइडल प्रक्षेप के समान ही हैं, किंतु सामान्य सिनुसॉइडल प्रक्षेप की भांति इस प्रक्षेप पर स्थल खंडों की आकृति अधिक विकृत नहीं होती है। इसी कारणवश संसार का मानचित्र बनाने के लिए सामान्य सिनुसॉइडल प्रक्षेप की अपेक्षा विच्छिन्न सिनुसॉइडल प्रक्षेप अधिक उपयुक्त रहता है। इसके अतिरिक्त इस प्रक्षेप पर अलग अलग महाद्वीपों के समक्षेत्र मानचित्र भी बनाए जाते हैं।